अररिया जिले के बुआरीबाद अररिया आरिस थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में दो भाइयों के बीच सुलझा रहे आपसी विवाद में पड़ोसियों द्वारा मारपीट कर दिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद असलम ने थाने में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि हम दो भाइयों का आपसी विवाद था जिसको हम लोग आपस में सुलझा रहे थे। इसी दौरान पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद सलाम सहित अन्य लोग लाठी, लोहे का पाइप आदि से हमारे साथ गाली गलौज और मारपीट की। हो हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर हम लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इस बाबत उन्होंने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। किस बात को लेकर मारपीट हुई आप लोगों ने? बात तो घरेलू मैटर था, हम लोग का आपस का मैटर था। तो हम लोग का मान ले कि भाई भाई मान ले थोड़ा बहुत भाई छोटा भाई गलती कर गया, तो हम लोग गए समझाने बुझाने के लिए। अब दो थप्पड़ हम छोटा भाई को मारे भी, तुम गलती क्यों किए? और बगल वाला जो है, आज से कुछ दिन पहले मेरा छोटा वाला भाई से और बाबू से जो है पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, बच्चे बच्चे का मामला। उस झगड़े में लोग जो है चेतावनी दे के गया था कि तुम लोग को मारेंगे, पीटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यानी कि सब बात बोला। और हम लोग का भाई भाई में जब कल जब झगड़ा हुआ शाम में, इन लोग को आगे मान लिया छोड़ाना चाहिए समाज का तौर पर। ये छोड़ाया क्या, ऊपर से जो है कि लोग सरिया उड़िया लेकर आया, मेरा सर पे मार दिया और मेरा भाई बहन को भी मारा है। और मेरी छोटी वाली बहन है, डिलीवरी है 5 महीना के, और उनको भी आके मारपीट किया है और सदर अस्पताल लेके आए, उनको जो है रेफर कर दिया गया है। और अभी हम जो है कि अपना जो है बंदेज वंदेज करवा के और थाना पे हम पहुँचे भी आवेदन लिखवाने के लिए। आवेदन दिए थाना? आवेदन दे चुके हैं सर, ठीक है। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए। बच्चे बच्चे की झगड़ा थी आज से लोग पहले, तो उनसे झगड़ा हुआ था, यानी बच्चे बच्चे झगड़े में, यानी उनके बच्चे मेरे बच्चे एक दरवाजे पे खेलते थे, आपस में दोनों बच्चे झगड़ा कर लिए। तो उन लोगों का भाई भैया जितने थे 5 लड़का, वो आके गाली गुलौज दे के गया, धमकी दे के गया, जहाँ तक मार के भी गया। और पड़ोसी? जी, मेरी पड़ोसी। और प्लस उसके बाद धमकी दे के गया था, तुम लोग अगर नहीं सही से चलोगे तो मारेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, तो जितना कहते उतने करो, बच्चे से लड़ाई है, ये वो सारा बहुत सारा बात बोलने लगे वो, कि तुमको मार के फेंक देंगे, काट के फेंक देंगे, तुमको यहाँ से भगा देंगे, घर में आग लगा देंगे, बहुत सारा धमकी दिया उसने। तो हम लोग से बात ख़त्म हो गया था उसने। तो आज की बात है कि आज सुबह में लगभग 7 बजे वो लोग घर चढ़ के आया मारने के लिए, और हम लोगों को झगड़ा इस बात से हो रहा था, हम लोग आपस में लड़ाई हो रहा था, भाई भैयारी में बच्चे बच्चे झगड़ा होता, हम लोग आपस में भाई भैयारी में झगड़ रहे थे। तो वो झगड़ा छुड़ाने की जगह जहाँ तक वो मार के गया हम लोगों को। अब मारा वो जावेद था और उसके बाद उसका भाई था मुर्शीद सलाम, ये लोग मारपीट और मारे मेरे भाई को, मारे सर का पान पूरा फोड़ फाड़ दिया, रड लेके आए थे मारने के लिए, पाइप लेके मारे। अररिया में खुल गया मोबाइल एवं लैपटॉप सेल एंड सर्विस स्टोर। यहाँ पर आपको मिलेगा हर ब्रांड का नया एवं रिफर्निश मोबाइल फोन, लैपटॉप, डाटा केबल, स्क्रीन कवर, चार्जर सहित हर प्रकार का मोबाइल एवं लैपटॉप एसेसरीज। यहाँ पर 30 मिनट में रिपेयरिंग की सुविधा और डोर टू डोर रिपेयर की सुविधा भी उपलब्ध है। मोबाइल हो या लैपटॉप, कम कीमत पर यहाँ उपलब्ध है। तो आज ही पधारे, हमारा पता है फिक्स मैन मल्टी सेल एंड सर्विस स्टोर, एडीबी चौक पेट्रोल पंप के बगल में अररिया। मोबाइल नंबर 9507609276 और 06453350035।